नमस्कार दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है ये झटका कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी ने दिया है जहाँ हिमाचल प्रदेश में चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस ने झटका देते हुए भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष को कांग्रेस में शामिल करा लिया है बता दे हिमाचल प्रदेश विधानसभा का इसी साल 2022 के अंत तक विधानसभा चुनाव होने वाला है लेकिन इससे पहले भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है पूर्व मंत्री और हिमाचल बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष खीमी राम शर्मा ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है बता दे आज दिल्ली में कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला की मौजूदगी में खिमी राम शर्मा ने कांग्रेस का दामन थामा है खीमी राम शर्मा के एन चुनाव के ठीक पहले कांग्रेस में शामिल होने से माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है ये भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे वहां मंत्री थे विधानसभा के उपाध्यक्ष थे और पूरे हिमाचल के कद्दावर नेता भाजपा के उन्होंने कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का फैसला किया है और वो कांग्रेस पार्टी में आज शामिल हो रहे हैं हमारे साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पंडित खीमी राम जी मौजूद हैं इनको कांग्रेस अध्यक्ष की तरफ से हम गुलदस्ता और वो पहनाएंगे अंगवस्त्र बता दे खीमी राम शर्मा भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता रह चुके हैं कीमी राम शर्मा जिला कुल्लू से पहला चुनाव लड़े थे साल 1999 में बतौर जिला परिषद चुनाव लड़ा था बाद में जिला परिषद अध्यक्ष भी बने धूमल सरकार में वन मंत्री पद पर भी काफी दिनों तक रहे लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव में खीमी राम शर्मा का टिकट कटने के बाद से वह पूरे तरीके से नाराज चल रहे थे इसके बाद अंततः आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कह कांग्रेस ज्वाइन कर ली कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के बाद खीमी राम शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी पर कई आरोप लगाए इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी जीतेगी साथ ही 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस की जीत होगी और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे केंद्र के चुनाव होने हैं दो में मुझे पूर्ण विश्वास है की इस बार जो है कांग्रेस पार्टी यहाँ सत्ता में आएगी और ईश्वर करे राहुल जी प्रधानमंत्री बने अच्छी सोच है उनकी खिमी राम शर्मा का कहना है कि मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि आज मैं उस पार्टी में शामिल हो रहा हूं जिसने देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है कांग्रेस पार्टी की बदौलत ही देश आज यहां तक पहुंचा है मेरा बहुत सौभाग्य है कि मैं इस पार्टी में शामिल हो रहा हूं तीन पुस्तों तक भारतीय जनता पार्टी में रहे हैं और मैंने किसी गुस्से या किसी और कारण से नहीं बल्कि बहुत सोच समझ कर यह फैसला किया कि इस पार्टी में जाना आज के हिसाब से बहुत जरूरी हो गया है साथ ही खीबी राम शर्मा का कहना है कि सोनिया जी राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी ने जो इस देश के लिए किया है यह कोई छोटी बात नहीं है इन्होंने त्याग और तपस्या की मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में हम हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनेंगे हालांकि हिमाचल में विधानसभा के चुनाव होने में कुछ ही महीने बाकी हैं। 2017 के चुनावी नतीजों के मुताबिक कांग्रेस पार्टी को 15 सीटों का नुकसान हुआ था जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 18 सीटों की बढ़त बनाई थी बताते भारतीय जनता पार्टी को कुल चौवालीस सीटों पर जीत मिली थी जबकि कांग्रेस को 21 सीटों पर जीत मिली थी बताते हिमाचल प्रदेश में कुल अड़सठ विधानसभा की सीटें हैं और 35 सीट मेजोरिटी के लिए चाहिए 35 सीट जिस पार्टी को मिलेगी वो सरकार बनाएगी